जय श्री श्याम। आज है मेरा लास्ट एग्ज़ाम, तो मैं बगैर प्रिपरेशन के और एक पेन लिए चल देता हूँ अपने ब्लॉक की तरफ। अभी तो फिलहाल 9:30 हो गए, ज़्यादा ही हो गए यार, जल्दी चलते हैं, फ़ोन भी जमा कराना, देर हो जाएगा। चलो मिलते हैं। वैसे सबके एंड हो गए, मेरे ही बचा है, मयंक भाई के भी एंड ही हो गए और हर्षित के भी एंड हो गए, राशिद और मैं ही रह गए। चलो कोई नहीं, आज लास्ट टाइम, लास्ट टाइम मिड टर्म ही है, भूल गया था, एंड टर्म भी आने वाले हैं, एक मंथ के बाद एंड टर्म भी आ जाएंगे। फिलहाल नाश्ता उश्ता तो करा नहीं है, लंच ही करेंगे डायरेक्ट। और पता नहीं है श्योर कि आज जलंधर भी जाना पड़े, काम है थोड़ा, फ़ोन भी ठीक कराना और लैपटॉप भी, देखते हैं। चलो गाइस अभी फ़ोन जमा कराने आया हूँ, देखो लाइन चेक करो एक बार, कितनी लंबी लाइन है। गाइस बता दूँ कि एग्ज़ाम तो हो गया ओवर, अभी बता दूँ गाइस, और आपका फ़ोन यहाँ जमा होगा, फ़ोन और बैग। इसके बाद ये देखो एक बार लाइन चेक करो, सबसे ज़्यादा लंबी लाइन है। तो अगर एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम में अपना बैग वो ले जा रहा हो तो अलाउ नहीं है, यहाँ पे जमा होगा आपका बैग और फ़ोन, और स्लिप मिलेगी जो आपको संभाल के रखनी होगी, उसके बाद सबमिट कर दो फिर मिल जाएगी। क्या भाई एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम आखिरी था तो कैसे ही आया? आज का मेरा लग रहा है ठीक है, आज का ठीक है। अच्छा तू पढ़ के गया है ना? नहीं गया भाई, कोई नहीं, मेरा तो खैर रब मालिक। सुबह में 8 बजे देखा हूँ वीडियो, 45 मिनट का, उसमें समझ 3 चैप्टर पूरा वो कवर। तूने 45 मिनट का वीडियो देखा और मैं 8:45 पे उठा ही था, 45 मिनट में 3 चैप्टर कवर कर दिया है। ये देखो एक बार भीड़ देखो। खैर आज तो एग्जाम हो गए ओवर भाई, कल से कॉलेज आना पड़ेगा। हाँ यार कॉलेज आना यार, एग्जाम ही सही थे ना? एग्जाम ही सही थे, बात सही भाई, एग्ज़ाम ही सही थे यार। आओ अपना दो, आराम से रूम पे निकल लो, 1-2 घंटे है, 1 घंटे में दे के निकल लो। साला वो सब कितना अच्छा है, वो मार्केटिंग वाले लोग, मार्केटिंग वालों का मतलब वो लोग 3-4 दिन पहले एग्जाम ही खत्म हो गया है, छुट्टी में। अच्छा वो ईको वालों का सही है यार, अपना ही है। साले हम लोग का तबीयत खराब है क्या? अगर तबीयत खराब नहीं तो ऐसा समझ ले भाई, देख मैं बताऊँ उसका किसका का। अरे मर गए सबसे अच्छा बता रहा है तेरा गया। अच्छा मेरा ठीक ठाक गया, लेकिन अच्छा नहीं ठीक ठाक भाई, लेकिन ये पूरा एकदम 100% श्योर के साथ भाई आंसर कर रहा था एकदम भाई। इसकी एक जे स्माइल है ना, ये एंड में जो आती है, ये मुंह छुपाने वाली, उस वही बता रही थी कि हाँ पेपर अच्छा गया, और नहीं गया होता तो हट साला कैसा पेपर आया था। अभी स्माइल देख रहे हो भाई, टॉपिक नहीं आया था कौन सा, इलास्टिसिटी डिमांड ये सब, उसका क्वेश्चन देखो ना कितना ज्यादा था क्वेश्चन। अरे भाई बहुत था, ओलोपोजी लोलोपोजी मोनोपोली, वो तो चलो ठीक था, वो भी था यार, वो उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे आराम से, वायु आराम से, उसका भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। ये अपना इलास्टिसिटी वाला था ना क्वेश्चन जो, कितना ज्यादा था ये, मैं पीपीटी खोला हूँ सुबह, वो इलास्टिसिटी वाला पढ़ रहा था भाई, छोड़ दिया। चल छोड़, तू तो जान रहा है मैं तो कुछ पढ़ा नहीं। आज हो गया एग्जाम ओवर, अब बात नहीं होगी। आज सुबह में ये 8 बजे खोला हूँ तो 8:45 मतलब 40-45 मिनट का वीडियो था, वही देखा हूँ। पढ़ रहा है क्या पढ़ा है? 4 दिन में वही बस देखा हूँ, पूरा 3 चैप्टर का रिवीजन था उसमें। पेपर तो देखो इजी था, वो अलग बात है कि मैंने नहीं पढ़ा, बहुत इजी था भाई, पेपर तो इजी था, मैंने पढ़ा नहीं, पता है तुझे बहुत इजी पेपर, देखा यही तो मैं कहलवाना चाह रहा था, देखा बहुत इजी मतलब 30 में 30 देखा। खैर अब फ्रेश हो के पेपर चालू होंगे 14 से, तब मजा आएगा। ये लड़की को एकदम बताया जा रहा है, ये किए जा रहा है, ऐसा मिलेगी फिर भी नहीं लड़की का नंबर, वो बहुत पढ़ाकू थे पता है। कौन? वो पीछे पूछ रही थी मेरे से। एक एडवाइस बता दूं कि अपना बैग वो ले जा रहे हो, फोन ले जा रहे हो तो सबमिट करा देना, क्योंकि एक बंदे ने क्लासरूम में ले जाना अलाउ नहीं है, एक बंदे ने क्लासरूम के बाहर रख दिया था तो उस पर UMC लग गई थी, तो अपना बैग वूक जो है वो सबमिट करवा देना। शायद अभी चलता हूँ हॉस्टल के लिए, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मैस में चलते हैं। ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा कभी, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, जिम वम और स्विमिंग पूल, टेनिस, बैडमिंटन, सारी चीज़ें दिखाऊंगा किसी दिन। देखो गाइस BH5 और 6 के पास में जो फूड कोर्ट था पूरा ही बंद हो गया, पता नहीं क्यों, यहाँ कुछ बनेगा, जगह तो अच्छी खासी है, बनेगा या नहीं बनेगा या क्या सीन है इन लोगों का पता नहीं, बट सारी क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड क्या है, काफ़ी दिनों से बंद ही हैं, BH1 में शिफ्ट हो गई हैं सारी शॉप से। गाइस एक चीज़ देखो, मैं गया तो मैं भाई लेट उठे थे सो के, और अभी आया हूँ तो देखो
तुरंत मेरी आवाज सुनते ही उठ गया। क्या जब आया था तब भी, जब गया था तब भी सो रहे थे जब आया? नहीं अभी भी एग्जाम देके बस निकले। अच्छा एग्जाम, मुझे लगा एग्जाम तो था भी नहीं अभी, भी जस्ट एग्जाम, अभी तो सो रहे थे एकदम उठ गए। अभी जस्ट ऐसे लेटे हैं गाइस, लीव तो डाल दिया और अभी निकलते हैं एक घंटे में जलंधर। बट जो इंसान हमेशा लेट कराता है वो है ये, ध्यान से देखिए इस चेहरे को। चले, अरे एक बात सच बताना, बिल्कुल सच बताना, बिल्कुल सच। खाना खा के आए हो आप? खाना खा के आए हो? ब्रश करा था, ब्रश देखो देखो देखा ब्रश। अमन आज तुम रूम में इतनी जल्दी कैसे? नहीं तुमने कुछ और बोला था कैमरा ऑन होने से। मैं ये बोला था कि ये भैया जो है ये हट्टे मिनिस्टर है, तो ये अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो इनका हेल्प करते। वो कैसे, वो कैसे? अब ये उस पे पक्का रिप्लाई करेंगे, ये चुप नहीं रह पाते उस बात पे। देखिए गाइस क्लास में क्यों आया गया था रूम में, ये है रीजन, द मेन रीजन इज कि वॉशरूम जाना था। तो गाइस ये देखिए डिब्बा है, अमन के घर से मिठाई का आया है, सबको बांटे। पर ये अलग डिब्बा किस लिए रखा जा रहा है बैग में? चार नंबर आया तो मैं सबको खिलाने जा रहा हूं। सबको नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गाइस अभी निकल रहे हैं, सबसे पहले तो प्रेस ही कर ली शर्ट पे, क्योंकि प्रेस के बगैर सही नहीं लगती। शर्ट चेंज भी कर ली, बाहर जा रहे हैं थोड़ा। मयंक भाई की वजह से लेट हुए, सबसे मेन बंदे की वजह से। वो मतलब झूठ बोलने से झूठ क्या, करना चाहिए। गर्मी लग रही थी, ये पंखा ऑन कर दिया था। अब देखना ये देखो हवा कितनी तेज चल रही है यार, ये पंखा ही उल्टा लगा हुआ है, बाल तक नहीं उड़ रहा। देखो ये देखो ये देखो कुछ क्या बताऊं, ये उल्टा चल रहा है यार, हवा क्या यार, जस्ट हेल्प यू। फिलहाल रेडी हो गए अपना जलंधर के लिए निकलते हैं। फोन जो खराब हो गया था 2 महीने पहले मेरा, वो ठीक करा दें। और मैकबुक में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? डिस्प्ले में पिक्सलेट कर रहा है वो, पिक्सल थोड़ा डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही है, पिक्सल उक्सल कुछ है प्रॉब्लम। महंग भाई को ही बता, वो भी दिखा लेंगे, वही मॉडल टाउन में पड़ता है। अभी टुक टुक ही लेते हैं, यहाँ लेट हो जाएंगे, खाली आधा घंटा लग जाएगा। एक तो हमारी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, पैसे वाले लोग हैं, टुक टुक ही लेंगे, 15 रुपये जाते हैं यहाँ। लेट हो गए सीरियसली, वरना मैं पैदल ही जाता, आधा घंटा लग जाएगा वरना पैदल ही निकल जाता। और आज से पता नहीं क्यों धूप इतनी, गर्मी नहीं बढ़ गई आज से? तब आप स्वेटर पहनने वाले थे? हाँ मैं स्वेटर पहनने वाला था, अपना प्रॉब्लम हो जाती। तो गाइस आज हो गया 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे पहला वीडियो जो कंटिन्यूस था, और उसकी वजह से 1 मिलियन हो गया। चेहरे पे खुशी देख लो एक बार। गाइस मैं बताऊँ, मतलब मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब और इंस्टा दोनों को मिला के, मतलब ओवरऑल अभी तक 1 मिलियन प्लस व्यूज आ गए। तो जय श्री श्याम यार, मतलब भगवान की बदौलत है जो है, आप लोगों का प्यार है, बस ऐसे ही प्यार दिखाते थे ना। ये जो हार्ट बीट बीट कर रही है ना, इतनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता यार, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मज़ा आ रहा है भाई। बस एक दिन ऐसे ही 10 मिलियन फॉलोअर भी जरूर होंगे। अरे जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। फिलहाल तो अभी टुक टुक में बैठे हैं, एक्साइटमेंट इतनी हो रही है कि ब्लॉग बनाने में भी अलग ही स्माइल, मतलब बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने वर्ड। अभी जलंधर बस स्टॉप से मॉडल टाउन लगभग 20 रुपये जाते हैं, तो अभी 20 रुपये के टुक टुक लेके अपना मॉडल टाउन के लिए जाते हैं। ये वाला जो वन प्लस का स्टोर है वो रिटेल वाला है, तो हमारा जो है वो 1 किलोमीटर दूर है। तो भैया इतने अच्छे हैं यहाँ के, मतलब वन प्लस जो मॉडल टाउन है ये, वो खुद छोड़ने जा रहे हैं हमें वहाँ पे। बताओ ऐसे इंसान आज के टाइम में मिलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं भैया। सो मच भैया, थैंक यू सो मच। पंजाब में आए हो और ये सब नहीं देगा भाई, ये एलॉय और टायर के तो यहाँ लोग दीवाने हैं। छोटी जगह छोटी छोटी गाड़ियों में एलॉय मिल जाएंगे, इधर सब जगह सब हार दे रहे हैं, इधर लोग जीप लेके चल रहे हैं, एक जीप मतलब 55 लाख कहीं नहीं गया। और एलॉय भाई मैं बताऊँ, यहाँ मॉडिफाई में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, गाड़ी जितनी कॉस्ट गाड़ी की नहीं होती, जितनी प्राइस गाड़ी की नहीं होती। ऐसे इंसान देखे, मतलब हम लोगों को एड्रेस नहीं पता था, तो वो 1.5-2 किलोमीटर हमें छोड़ के आए, तो हमें वन प्लस के सर्विस सेंटर पे छोड़ के आए। फिलहाल तो हम मतलब थैंक्स टू भैया, खैर अभी आर के मोबाइल केयर पर आए हैं, मैंने अपना फ़ोन दे दिया, 1 आवर में मिल जाएगा वो। चलो चलते हैं, लूंगा आपका काम फिर भी नहीं हुआ, आप बोलोगे कि मेरे को 30,000 दोगे? नहीं दिक्कत ये नहीं कि डिस्प्ले, अगर हम चेंज करवाने का चेंज करवा ले रहे अभी, लेकिन मेरे काम करते समय अगर वो रुक गया तो फिर वो ज़्यादा दिक्कत होगा, उस समय वो 20,000 की तरह। ऐसा होता है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो बुखार के लिए, तो वो पहले बुखार की दवाई देगा, ना कि पहले सब बोलेगा सब कुछ टेस्ट करा लो, किडनी कुडनी सब टेस्ट, पहले वो डायग्नोस करेगा उसके बाद बुखार की दवाई देगा। अरे नहीं, पहले आप जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है आपको बोलते हो मेरे को थोड़ा सा बुखार होगा, तो पहले बोलेगा ये दवाई ले लो, अगर आपका 1 हफ्ता बुखार नहीं उतर बोलेगा अब टेस्ट कराओ, क्यों नहीं उतर रहा आपकी बुखार, ठीक है जी।
और उसके बाद बोलेगा आपको कि अब टेस्ट करने के बाद कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहला होता है इसको सर्विस करके देखना, अगर उसमें आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है। और मैंने आपको बोला कि वो एडजस्टेबल मनी है, कि अगर आपने बाद में उसी में डायग्नोस भी हो जाता है, पता भी चल जाता है कि इसमें प्रॉब्लम है कहाँ पर, ठीक है कि नहीं। आप अगर बोलिएगा कि मुझे सिर्फ खोल करके मोटा मोटा चेक करके बता दो तो मैं कुछ करूंगा नहीं, खोल के बंद करने का 500 रुपया, कंपनी वाले उसके भी 1500 लेते हैं, वो आपका वेस्ट चला जाएगा। मैं करूंगा कुछ भी नहीं, खोलूंगा देखूंगा और फिर भी मैं आइडिया ही बताऊंगा कि जो मैं इतना मौत से बोल रहा हूं उतना ही बोलूंगा जी, पहले तो हम डिस्प्ले में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो फ्लक्स में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होगा। वो स्टेप बाय स्टेप करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है सर्विस का, अगर सर्विस से आपका परफेक्ट हो जाता है, सर्विस का आपको वारंटी भी एक महीने की देंगे। अगर एक महीने में सर्विस किए में सेम कंडीशन का इश्यू आता है तो आपका जो अभी अगला काम करवाइएगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब वो उसमें 1500 लेस हो जाएंगे। अगर वो काम हम नहीं करके दे सकते, फॉर एग्जाम्पल ले लो कि मदरबोर्ड का इशू है या डिस्प्ले का है और हम इशू करके अरेंज करके आपको नहीं दे सकते, तब हम आपका सिर्फ अपना जो 500 रुपये चार्ज है वो काट करके 1000 फिर वापस कर देंगे। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं तो 30,000 नहीं खर्चा करूंगा, या ये मदरबोर्ड हमने बोल दिया कि भाई अब तो इसमें मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, ये कंपनी से भी नहीं मिलती, बाहर भी नहीं मिलती, हम इसको ठीक नहीं कर सकते, आप टाइम दीजिए यार, तब हम उस टाइम में आपको 1000 वापस दे देंगे। अभी टाइम कितना देगा सर्विस का? टाइम है कम से कम 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद आप आराम से चेक कीजिए, 1 घंटा चेक कीजिए, आधा घंटा चेक कीजिए, हटा दीजिए ये हटाएंगे, ये हटाना पड़ेगा, नहीं कटिंग हो जाएगा। या तो आप बोलोगे इतनी कटिंग करेंगे, नहीं तो पूरी हटा देंगे। नहीं नहीं, जितना जरूरत उतनी काट दीजिएगा, जितना जरूरत उतना काट दीजिएगा, कटिंग पूरा करना पड़ेगा, सब काट दीजिएगा, ये पूरा कटिंग हो जाएगा। ये देखो पंजाब है, यहाँ पे रेंज रोवर ऐसे खड़ी होती है, ऐसे 800 साइड में ही देख रहे हो आप, और पुराना मॉडल है, सस्पेंशन वाला है वो डिफेंडर में जो है वो ऊपर नीचे कर सकता है। गाइस देखो मॉडिफिकेशन इन अल्टो क्या मस्त लग रही है, आप कुछ कहोगे इस पे? वो गाड़ी बेइज्जती फील कर रही है ये गाड़ी। ओह एक दिक्कत आ गई यार, 2 महीने से फोन बंद है ना, तो मैं पासवर्ड ही भूल गया हूँ, अब 8 बार पासवर्ड डाल दिया कोई आ ही नहीं रहा, वन प्लस स्टोर में जा रहा हूँ और दिक्कत है यार। देखो फोन तो ठीक हो गया, फोन हो गया अपना ठीक, अब थोड़ा केयर से रखना पड़ेगा, कवर ओवर दिखा डलवा लेंगे और स्क्रीन गार्ड, नेम और पासवर्ड डाल के देखेंगे क्या पता ओपन हुआ हो इसकी वजह से, मांग रहा हूँ। हाँ ओपन की वजह से तो नहीं आता, लेकिन कई बार जैसे आपने वैसे ही आप शट डाउन करते होंगे ऑन करते होंगे, तो हमने वो बटन से रीस्टार्ट किया था, तो हो सकता है कुछ हो, वरना ऐसे फॉर्मेट तो नहीं होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, डाटा सारे डाटा और हमको जरूरत भी नहीं करने की, होगा कि जितने कनेक्शन टूटे हुए ना हम उसको जोड़ देंगे, तो वो कच्चा काम हो गया, मतलब अच्छा वो लाइफ तो काम चला हो गया, लाइफ तो हो गया पर वो नहीं हो पात बनी, और अगर हम वो पूरा चेंज कर देते हैं पूरा रूट से ये करेंगे बेस से ही तो हो जाए। गाइस अभी है निक्कू पार्क, ये मॉडल टाउन में ही है, थोड़ा सा दूर है, और ये देखो 20 रुपये एंट्री फीस है, राइड रूट का अलग है, ये वाला बढ़िया है। हाँ ये बढ़िया है, चलो अभी आराम करते हैं क्योंकि थोड़ा सा माइंड को पीस देने आया, सुबह से दोपहर से भाग ही रहे हैं। वीडियो कुछ मिनट के अंदर इतना सारा वीडियो देख चुके, इसलिए बोला था कमेंट सेक्शन में ज्यादा भरोसा। अब देखो इतना सारा वीडियो देखने के बाद, बहुत सारा वीडियो देखने के बाद यहाँ पर ये लोग खुद गाड़ी देख के लिखा है, इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ इज्जत से लिखा है अपना फुल नेम डालो, रिकवरी वकवरी कुछ नहीं करना है, अपना फुल नेम डालो और नॉर्मल यूजुअल पासवर्ड डालो और ये ओपन हो जाएगा। और ये बात दुकानदार को नहीं पता है, बताओ मैक ऑनर को, उस वहाँ पर जो मैक बना के दे रहा है उसको ये बात तक नहीं पता है कि नॉर्मली सिर्फ पासवर्ड डालना है और नॉर्मल जो नाम है वो अपना जिस लेटर में लिखे हो, सपोज कोई कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखना है, जीमेल नहीं डालना है और स्पेस भी देना है बीच में, हम स्पेस नहीं देते तब से कितना बार ट्राई कर लिया, अभी नॉर्मल यूज़ करके देखिए खुल गया, 1 मिनट में खुल गया। सीन था ऐसा, उन अंकल जी ने लैपटॉप खोल लिया था तो ओपन नहीं हो रहा था, तो उनको भी नहीं पता था ना महंग भाई को, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ था, हमें तो पता नहीं था कैसे ओपन होगा, बट हम लोग पार्क में आए थे ये निक्कू वाले में तो उसमें वो ये ओपन हो गया। गाइस फाइनली अपनी यूनिवर्सिटी में आ गए, पूरा ही थक गया हूँ मैं, तुमसे ऐसी भूख लग रही है और अभी चलना मैं, नहीं भाई नो थैंक्स इतनी भी नहीं लग रही, पॉपकॉर्न से मिट जाएगी, नहीं भाई नो थैंक्स। तो फिलहाल तो अभी हॉस्टल के लिए जा रहे हैं, उससे पहले फ़ोन पे गार्ड वूड देखते हैं, मॉल में अगर शॉप खुली होगी तो चढ़वा लेंगे, दोबारा से रिक्स नहीं ले सकता मैं, बहुत महंगी पड़ी डिस्प्ले। घर से क्या सोच के आए थे कि 64 लाख का तो प्लेसमेंट लगी जाएगा, नहीं 2 करोड़ तो वो तो पता ही था कि कुछ नहीं होने वाला अपना। कहाँ से हो? बिहार से हो? दिखाई नहीं दे रहा है, 2 करोड़ का किधर से आप? यूपी। तो गाइस 1.1 मिलियन प्लस की व्यूज़ की खुशी में इंस्टा पर
ये छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। अभी मोर टू कम, अभी बहुत चीज़ आएंगी, अभी मज़ा आ जाएगा भाई, क्वालिटी और कंटेंट। अभी जस्ट स्टार्टिंग, अभी आना थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, जरा सा बस यही समझ जरा सा, उसके बाद तो फिर वो भी आएगा। ये देखो गाइस,